चाम मलम शरीर सच वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिं प्राञ्जलिरान तोष्मि। महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए वंदन करते हुए आज हम सभी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के गवाली प्रखंड के लालगंज गांव में 5 दिवसीय योग शिविर का आज हम सभी शुरुआत किए हैं। आज सभी भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए सूक्ष्म व्यायाम के अगले कड़ी में मैं आपको बटरफ्लाई से लेकर के और हाथ के अलग अलग अभ्यास को करवाऊंगा। तो आइए दोनों पैरों को मोड़ते हैं। अब ये दोनों हाथ को आपस में ग्रिप लगाते हैं। अब आगे लगा लिए। अब दोनों एड़ी को जांघ के मूल में सटाते हैं ऐसे, और दोनों ये केवली को पंजरी में सटा दिए, सीना को बाहर निकाल दिया ऐसे पूरा। अब सांस को भरते हुए पैर ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए पैर को नीचे करेंगे। सांस को भरते हुए छोड़ते हुए पैर को ऊपर नीचे करिए ऐसे ऐसे। इसका नाम है तितली व्यायाम बटरफ्लाई। ये इतना जबरदस्त अभ्यास है कि घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, आपको पिंडली दबने से शौच भी बढ़िया होने लगता है, पेट में जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक होने लगती हैं, और इससे हृदय वक्ष यानी आपका हृदय भी मजबूत होता है, सीना भी शेर की तरह होने लगता है। कैसा होने लगता है? शेर की तरह। आदमी चाहता है ना कि हम शेर ऐसे बोलता है केवल, लेकिन शेर जैसा अभ्यास करना पड़ेगा, तितली जैसा चंचल होना पड़ेगा, और आदमी जैसा भोजन करना पड़ेगा, आदमी जैसा जीवन जीना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हम लोग तो ऐसे खोखा मिल गया है केवल आदमी का, जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं रहता, ऐसे खोखा खरीद लिया। अब जो जो आप उसमें डालना चाहते हैं ऐप्स या सॉफ्टवेयर तो डलवाते हैं, तो वो मोबाइल हमारे काम लायक हो जाता है। अब हमारा आदमी का शरीर है, अब इसमें आदमियत नहीं रहे तो ये कोई काम का है? अब किसी को हम दांत से नोच लें, किसी को गला काट दें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, कभी कभी मंच की तरफ हाथ को नीचे कर लीजिए, कैमरा ऐसे मूव करिए, कर रहे धीरे धीरे, वो सटाइए बाबू ऐसे ऐसे ऊपर की तरह, ऐसे करिए सीधा। अभी नौजवान है आप, नौजवानों के लिए तो और जबरदस्त है। क्या कोई दिक्कत है क्या पैर में आपको? नहीं ना, ये सटाइए यहाँ पर, ये सटाइए पंजरी में, और दोनों पैरों को ऐसे करिए सीधा, और ये गर्भवती माँ को बहन को यदि 7वें महीने से करवाया जाए तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है 100%, समझ गए? आजकल डिलीवरी का भी समस्या है, मौत हो जाती है अस्पतालों में बहनों का, सही इलाज नहीं होने के कारण। तो ये डिलीवरी पीरियड में 7वें महीने से अभ्यास कराया जाए तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल डिलीवरी होगा। आप ऊपर नीचे करिए पैरों को, आप तो ना ऐसे ऐसे हिला रहे कमर नहीं हिलाता है, वैसे ना ऐसे करिए ऐसे। सॉरी ठीक है, आज गुरु जी आए तौले नहीं खा, आगे गुरु जी आए, पोटा अब दोनों पैर को क्या कर लीजिए, दूसरा खींचो, हो सकता है ना कि अब किन्हीं का हाइड्रोजन बढ़ा हुआ है, अब खींचेंगे तो चपा जाएगा, तो थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है उसमें। अब देखिए सांस को भरते पूरा इसको पंजे को खोलिए ऐसे, और सांसों को छोड़ते हुए पंजों को मोड़िए, मुट्ठी नहीं बांध रहा है इसको, ऐसे करना है कि पूरे जोड़ों का मुड़ा हो रहा है, जैसे कोई लोटा अगर पकड़ते ना उस तरह से करिए। सांस भरते हुए खोलना, सांसों को छोड़ते हुए मोड़ना, पूरी ताकत लगा करके, लगे कि 50 किलो का वजन इसमें टंगा हो, उतने ताकत लगा के अभिनय करिए उस तरह का।
शुरू शुरू में तो दर्द जैसा करेगा, ये सब लग रहा है ना, इससे ताकत आएगा। अब अंगूठे को अंदर ले गए और ऊपर से चारों उंगली को रख के जोर से दबा देंगे। बीच बीच में पार्ट वाइज और कभी कभी खड़े होकर के इकट्ठा सबका ले जाएंगे, ऐसी लगे कि सामूहिक रूप से हो रहा है सब। यहाँ फिर घुमाइए इसे, अब इसको गोल गोल घुमाते हैं कलाई को, केवल कलाई को घुमाते हैं। फिर इसको उल्टा करते हैं, फिर सांस ले रहे हैं आप लोग, बढ़िया बढ़िया नौजवान का ना ये थक जाता है, फिर बाएं दाएं करे ये जवानी में ही ना बुढ़ा पा रहे हैं आजकल लोगों को, फिर ऊपर नीचे ऐसे गोतवे हिले के चाहिए, हाथ ना हिले के चाहिए, इसमें ताकत लगा के आजकल लोग जिम जाता है ऐसे ना, इसको ऐसे फुलाने के लिए इसको ऐसे करते हैं। चलिए हंसते हुए चेहरा पर मुस्कान लिए हुए, लग रहा है कि मायूस हो रहे हैं आप लोग, कोई भार नहीं कीजिए मन पर, कैसे कोई अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जीवन का अपना अंग, ये जीवन का अभिन्न अंग मान लीजिए, जैसे काश्मीर हमारा अभिन्न अंग है वैसे योगाभ्यास हमारा भी अभिन्न अंग होना चाहिए, इसके बगैर मेरा जीवन बेकार हो रहा है। करिए सांस को भरिए, भर नहीं रहे आप लोग, सांस में कोई दाम लग रहा है जी, आजकल 2 रुपया ना गिरा दे चॉकलेट मार हो जाएगा, ये अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं है। एक दिन बीमार पड़ के देखिए, 1 घंटा यदि सिलेंडर लगा दिया नर्सिंग होम वाला तो 100 रुपये घंटा लेता है, नहीं अब सोचिए कि दिन भर 24 घंटा जब सांस लेते हैं तो 2400 रुपये का सांस ले कर ले लिए, जैसे आप चावल खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं खाने के लिए, वैसे यदि सांस लेने खरीदना हो जाए तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए आराम से। हम सोचते हैं ये 2400 रुपये का एक दिन में ऑक्सीजन भरते हैं हम ये अभी हम लोग सूक्ष्म व्यायाम किए, क्या किए? हाँ, तो पैरों वाला भी मैंने कराया, हाथों वाला भी अभी मैंने करवाया, तो लग रहा है ना कुछ हमने अभ्यास किया शरीर में, तो ये केवल करते रहिए एक सप्ताह में, देखिए आपके अंदर ताकत बढ़ेगा। उसके लिए ना हम लोगों ने कभी कभी विशेष जांच शिविर रखते हैं, तो उसमें जांच करने का एक मशीन रखे हैं, बहुत सारा इक्विपमेंट है उसमें, और उसमें ग्रिप होता है ऐसे दबाने वाला, तो उसमें पता चल जाता है ना कि किसके अंदर कितनी क्षमता है ग्रिप पावर। अब कोई इसमें दबाता है उसमें तो 10 kg वजन को चपा ले ऐसे उसका वेट रहता है, उसमें मापदंड है, तो हर व्यक्ति का अलग अलग आ जाता है, देखने में हट्टा कट्टा नौजवान है, पूरा दूध घी मलाई खाता है, लेकिन सबके हाथों का ये पावर जो है वो दबाने वाला कम बेसी रहता है। उसी प्रकार से कोई चीज खींचते हैं तो उसमें भी अलग अलग ताकत है, कोई दीवार में धक्का लगा रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग ताकत है, कोई धक्का लगाएगा तो दीवार गिरा देगा 10 इंच का, और कोई एक इंच भी नहीं हिला पाता है ऐसे आलस में पड़ा हुआ है, तो ये सब अभ्यास करने से हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा का संचार होता है, क्या का संचार होगा? ऊर्जा का। और जो कोशिकाएं मृत प्राय हो रही हैं, जो कोशिकाएं सेल्स डी होता है ना उसको डीजनरेट का हो रहा है वो उसको रीजनरेट कर देता है, यानी जो मृत प्राय हो रही है उसको ये पुनर्जीवित कर देता है, पुनर्जागरण हो जाता है हमारे शरीर का, और लगता है कि मैं तो बहुत ताकतवर हो गया, और जो व्यक्ति
ताकतवर होगा, उसके पास कोई बीमारी होगी कभी? बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं।